सो मैंने अमेजोन से कुछ नए बुक्स को ऑर्डर किया है। एक ह्यूज बुक हॉल है ये, जो है वो है इकिगाई और मैं दी गर्ल इन द ग्लास केस बाय देवाशीष सरदार। लास्ट बुक जो है वो है समथिंग आई एम वेटिंग टू टेल यू बाय श्रव्या बिंदर, बेस्ड ऑन दिस वीडियो इज द सेकंड पार्ट ऑफ द ह्यूज बुक हॉल। इफ यू हैव नॉट वॉच्ड द वीडियो टिल नाउ देन लिंक इज प्रेजेंट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई बटन, ऑल्सो यू कैन चेक आउट फ्रॉम माई चैनल। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। इस पैकेजिंग में से जो नेक्स्ट बुक है वो है द साइलेंट पेशेंट बाय एलेक्स माइकलाइडिस। ये न्यूयॉर्क बेस्ड, न्यूयॉर्क टाइम्स पर बेस्ट सेलर रह चुका है और संडे टाइम्स पर भी बेस्ट सेलर रह चुका है। तो आई थिंक बहुत से लोगों ने ये बुक पढ़ लिया है, लेकिन मैंने नहीं पढ़ा था। ये एक थ्रिलर नॉवल है जो मुझे बहुत दिनों से चाहिए था, तो मैंने इसको फाइनली खरीद लिया। सो देखते हैं इसको पढ़कर कि मुझे कैसा लगता है। इन सभी बुक्स का एक डिटेल रिव्यू आएगा बाद में। ओके, नेक्स्ट बुक जो है वो भी मेरे उस वीडियो में मैंने बताया था कि मुझे ये बुक पढ़ना है, वो है द ओल्ड मैन एंड द सी बाय अर्नेस्ट हेमिंग्वे। ये मेपल क्लासिक से मैंने लिया है और इसका जो ये बुक मुझे 75 रुपीज में मिला है और ये बहुत ही ज्यादा पतला बुक है। आप देख सकते हैं मतलब कितना पेज है, 75 और 77 पेजेस। सो ये थोड़ा सा बड़ा है उन बाकी बुक्स में से। सो नेक्स्ट बुक की तरफ चलते हैं। क्या है इसका? ये बुक भी मेरे उस वीडियो में मैंने बताया था कि मैं इस साल इसको पढ़ना चाहता हूँ और ये है द ड्रैक्यूला बाय ब्राम स्टोकर। और ये मेरे ब्रदर को भी बहुत दिनों से चाहिए था। ये फिंगरप्रिंट क्लासिक्स एडिशन है और ये बहुत ही ज्यादा थिक बुक है और इसका जो प्राइस मुझे मिला है आई थिंक 125 रुपीज। प्लीज अमेजोन इसको देखने के बाद उस बुक का प्राइस मत बढ़ा देना, ये मेरे आपसे रिक्वेस्ट है। सो इस पैकेजिंग में जो नेक्स्ट बुक है वो है वन ऑफ द मोस्ट फेमस नॉवेल बाय जूल्स वर्न, दैट इज जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। और ये भी मुझे बहुत दिनों से मतलब चाहिए ही था, मतलब इस फिल्म को देखने के बाद से मुझे ये बुक चाहिए था और फाइनली मैंने इस बुक को खरीद लिया है और इसका भी बाद में मैं पढ़कर एक डिटेल रिव्यू बनाऊंगा। सो नेक्स्ट बुक क्या है इसके अंदर? एक और 20,000 लीग अंडर द सी बाय जूल्स वर्न। ये भी जूल्स वर्न का एक बहुत फेमस नॉवेल है। आई थिंक ये नॉवेल या फिर स्टोरी कलेक्शन मुझे ये पता नहीं, लेकिन मैंने इसका नाम सुना है। ये भी फिंगरप्रिंट क्लासिक्स की तरफ से है और बहुत ही ज़्यादा थिक बुक, ये भी बहुत ही ज़्यादा थिक बुक है आप देख सकते हैं। तो ये पेपरबैक है, आई थिंक आज के सभी बुक्स इकिगाई को छोड़कर बाकी सब पेपरबैक्स में आए हैं। तो चलिए नेक्स्ट बुक की तरफ चलते हैं। और इस पैकेजिंग में जो लास्ट बुक है वो है दिस इज गिवर बाय लॉइस लाउरी। दिस इज फ्रॉम हार्पर्स कॉलिंस पब्लिशिंग। मतलब चाहत की कोई सीमा नहीं होती, सभी बुक्स मुझे चाहिए। तो ये बुक अब एक मेजर मोशन पिक्चर में आता है, तो मैंने वो मोशन पिक्चर नहीं देखा, मैंने बस सुना था कि ये एक बहुत ही फेमस नॉवेल है। तो देखते हैं ये बुक कैसा होता है। और ये वाला पैकेजिंग तो ख़त्म हो गया, चलिए नेक्स्ट पैकेजिंग की तरफ। मैंने जिस दिन पहला पार्ट शूट किया था तो उस दिन बहुत ज़्यादा रात हो गया था, तो मैंने सेकेंड पार्ट दूसरे दिन सुबह से शुरू किया है। तो मैंने बस थोड़ा सा शेविंग कर लिया है और जो वॉच है मैंने उसे अपने लेफ्ट रिस्ट पर पहन लिया है बस, और कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। एज इट इज़ यही बुक्स है और यही सब कुछ मैंने अनबॉक्स किया है। तो चलिए नाउ आई एम गोना डू अनपैक दिस पैकेजिंग। दिस इज फ्रॉम ऑल्सो अमेज़न। इस पैकेजिंग में आया है इट स्टार्ट्स विद अस बाय कॉलिन हूवर। तो मैंने
मैंने उस वीडियो में बताया था कि मैं कौन कौन से बुक्स पढ़ना चाहता हूँ, वहाँ पर था नवंबर 9, बट मैंने बहुत से रिव्यू देखकर ये डिसीशन लिया कि इट्स एंड्स विद अस मुझे पढ़ना चाहिए और उसका सीक्वल पार्ट है इट्स स्टार्ट्स विद अस। मैंने उस बुक को ऑर्डर नहीं किया, ये बुक मुझे डील पे मिल रहा था इसीलिए मैंने इस बुक को ऑर्डर कर लिया। उस बुक को भी मैं कुछ दिनों बाद ऑर्डर कर लूँगा अगर डील मुझे अच्छा मिला तो। तो ये आई थिंक मुझे 163 रुपीज़ और या फिर उसके अराउंड मुझे मिला है। तो देखते हैं, ये एक फिक्शन बुक है तो बहुत से लोगों ने तो ये पढ़ लिया होगा लेकिन मैंने नहीं पढ़ा था तो इसीलिए मैंने इसे खरीद लिया। ओके सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट अनबॉक्सिंग। ये आज का लास्ट पैकेज है तो इसको भी अनबॉक्स कर लेते हैं। चलिए I am super excited to read this book and this is One of Us is Blind by Karen MMC Manus. Please forgive me अगर मैंने कुछ भी गलत pronounce कर दिया तो। तो ये है वो book। I am superly excited. I can't express my expressions to you but I am very much excited and smell. I hope you liked and enjoyed this video. If you have not watched the first part till now, then you can check out my description box. The link is provided there. Stay healthy, stay happy, and stay a book lover. And if you have not subscribed my channel, then what are you doing? Go and subscribe my channel now. And if you ask me that which book I really want to read at first, that is The Room on the Roof by Ruskin Bond, because I wanted to read this book a very long time and I have started to read this book.